जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट जी। बेटा मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 281, इसका टॉपिक है इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये फर्स्ट ही टॉपिक है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसकी हम पहले डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन में क्या है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ ऑफ रियल और या कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि वी वेक्टर स्पेस है और एफ फील्ड है। फील्ड जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकती है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। ए मैपिंग, ये इसको मैपिंग को, ये जो ब्रैकेट्स टाइप है इसको पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या है, किसका डॉट प्रोडक्ट, वी क्रॉस वी टू एफ। यानी कि मैपिंग डिफाइन हो रही है डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, किन के दरमियान, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के दरमियान टू एफ। यानी कि वी क्रॉस वी टू एफ के वेक्टर स्पेस के जो वेक्टर स्पेस होगी वी क्रॉस वी, उनके दरमियान जब मैपिंग डिफाइन होगी तो हमें रिजल्ट क्या देगा, एफ देगा, फील्ड देगा। यानी कि जो इनपुट है वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होंगे, जो आउटपुट हो वो फील्ड होगी। ठीक है, इज सेड टू बी इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। यानी कि वो कहता है कि ये जो मैपिंग है डॉट प्रोडक्ट के ऊपर डिफाइन हो रही है, मैपिंग जो कि डॉट प्रोडक्ट के ऊपर डिफाइन हो रही है वी क्रॉस वी टू एफ, वी क्रॉस वी टू एफ, तो ये मैपिंग जो है वो इनर, ये जो डॉट प्रोडक्ट जो है, जिस जो ये डॉट प्रोडक्ट की जो मैपिंग है ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट होगी इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। तीन कंडीशन लिखी हुई हैं, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं किसी भी डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो जो है वो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है वी कॉमा वी डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा वी ये ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। यानी कि सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा वी इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली वी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि दो वेक्टर का जो जो वी का जो डॉट वी का वी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो उस वक्त होगा अगर वो वी क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। तो यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर दो चीज़ें हमें शो करवानी होगी। पहली ये कि डॉट प्रोडक्ट, सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, और दूसरी ये कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो उसी वक्त होगा अगर वो वी जो है ख़ुद क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए हमें ये दोनों कंडीशन होल्ड करवानी होगी। अगर दोनों कंडीशन होल्ड कर गई तो पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, कि सेम वेक्टर का, ये बात याद रखनी है, सेम वेक्टर लेने हैं वी कॉमा वी का डॉट प्रोडक्ट वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, एंड सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वी कॉमा वी का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो उसी वक्त होगा अगर वी क्या होगा, वो वेक्टर जो है वो खुद क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन के दो पार्ट हैं, ए और बी पार्ट। इफ़ एफ इज़, ए पार्ट देखें, इफ़ एफ इज़ टेकन एज फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर एफ जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वी वन कॉमा वी टू जो दो डिफरेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, दो डिफरेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वी वन कॉमा वी टू वो इक्वल टू होना चाहिए वी टू कॉमा वी वन कॉन्जुगेट का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी वन वी टू कॉमा वी वन कॉन्जुगेट। फॉर ऑल वी वन वी टू बिलोंग टू वी, हेंस हेयर वी वन वी टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी टू कॉमा वी वन कॉन्जुगेट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वी टू कॉमा वी वन। ठीक है, यानी कि अगर फील्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दो डिफरेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वी वन कॉमा वी टू वो इक्वल होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी टू कॉमा वी वन का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। और बी है, इफ़ एफ इज़ टेकन एज फील्ड ऑफ रियल नंबर, अगर जो फील्ड है वो रियल नंबर है तो देन क्या है, वी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी वन कॉमा वी टू इक्वल टू होना चाहिए वी टू कॉमा वी वन, इनवर्स यानी कि वो पॉसिबल होना चाहिए, वी वन कॉमा वी टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी टू कॉमा वी वन। अच्छा बेटा, ये सेकंड जो कंडीशन है इसके अंदर मैंने ए और बी दो अलग अलग लिखे,
तो अगर फील्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने ए वाली चीज़ शो करवानी है, अगर फील्ड जो है वो रियल नंबर है तो फिर आपने बी वाली चीज़ शो करवानी है, दोनों एट ए टाइम शो नहीं करवाने, क्योंकि जो फील्ड होगी या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी या क्या होगी रियल नंबर होगी। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए सेकंड कंडीशन में ए शो करवाना है, अगर जो है फील्ड जो है वो रियल नंबर है तो सेकंड कंडीशन में बी शो करवाना है, ठीक है। दोनों इकट्ठी शो नहीं करवानी, एक शो करवानी है। अगर कॉम्प्लेक्स है तो ए वाली कंडीशन, अगर रियल है तो बी वाली कंडीशन शो करवानी है। और थर्ड वन है ए वी वन प्लस बी वी टू कॉमा वी थ्री, यानी कि तीन वैक्टर लेने आपने, पहले दो वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन और कॉमा तीसरा वेक्टर, इन दोनों का जो जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी वन वी टू का लीनियर कम्बिनेशन कॉमा वी थ्री, ठीक है, ये याद रहे की बात क्या मैंने पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी वन एंड वी टू का लीनियर कम्बिनेशन ओवर फील्ड ए एंड बी कॉमा वी थ्री, ठीक है, वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी वन वी थ्री प्लस बी इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी टू कॉमा वी थ्री। तो देखें ए वी वन प्लस बी वी टू है और कॉमा वी थ्री है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए ए इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी वन कॉमा वी थ्री, यानी कि जो इधर से फर्स्ट होगा लीनियर कम्बिनेशन में वी थ्री के साथ, प्लस बी इंटू वी टू का भी वी थ्री के साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, फॉर ऑल वी वन वी टू वी थ्री बिलोंग टू वी एंड ए बी बिलोंग टू एफ। तो ये थी बेटा डेफिनेशन, ठीक है। तो किसी भी डॉट प्रोडक्ट को हमने, डॉट प्रोडक्ट जो मैपिंग है वो इनर प्रोडक्ट उसी वक्त होगी, किसी भी डॉट प्रोडक्ट की मैपिंग जो है वो इनर प्रोडक्ट उसी वक्त होगी अगर ये तीन कंडीशन जो है उसके ऊपर सेटिस्फाई होंगी। तो अब बेटा हम एग्जाम्पल करते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर वन है लेट यू वी बिलोंग टू आर एन वेयर यू इज़ इक्वल टू यू वन यू टू यू थ्री अप टू सो ऑन यू एन, और वी इज़ इक्वल टू वी वन वी टू अप टू सो ऑन वी एन। दो वेक्टर हमने ले लिए यू और वी, और यू के अंदर एलिमेंट जो है वो यू वन यू टू अप टू सो ऑन यू एन है, और वी के अंदर जो एलिमेंट है वी वन वी टू कॉमा अप टू सो ऑन वी एन है। हमने प्रूव ये करना है देन द डॉट प्रोडक्ट यू कॉमा वी, हमने प्रूव करना है कि ये डॉट प्रोडक्ट यू कॉमा वी जो कि डिफाइन है यू वन वी वन प्लस यू टू वी टू प्लस अप टू सो ऑन यू एन वी एन, यानी कि दो वैक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है इस कंडीशन में बेटा ये डिफाइन है कि यू वन वी वन पहला वैक्टर का एलिमेंट और इंटू दूसरे वैक्टर का एलिमेंट प्लस पहले वेक्टर का दूसरा एलिमेंट इनटू दूसरे वेक्टर का दूसरा एलिमेंट प्लस अप टू सो ऑन पहले वेक्टर का लास्ट एलिमेंट और दूसरे वेक्टर का लास्ट एलिमेंट जो है इज़ एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर, हमने प्रूव करना है कि ये इनर प्रोडक्ट है। अच्छा बेटा, हर एग्जांपल के अंदर या क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट प्रूव करना होगा, तो हर डॉट प्रोडक्ट की एक अपनी डेफिनेशन होगी, एक अपनी उसकी फॉर्म जो है वो कंडीशन डिफाइन होगी, जिसका यहाँ यू और वी के डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन डिफाइन है यू वन वी वन प्लस यू टू वी टू प्लस अप टू सो ऑन यू एन वी वन। इस तरह हर एग्जांपल के अंदर जो है या क्वेश्चन के अंदर डॉट प्रोडक्ट की एक अपनी डेफिनेशन यूज़ हो रही होगी, ठीक है, एक अपनी डेफिनेशन इसने डिफाइन की होगी, उसी के मुताबिक हमने उसको इनर प्रोडक्ट जो है वो प्रूव करना होगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि हर जो हमारे पास एग्जांपल या क्वेश्चन होगा उसमें डॉट प्रोडक्ट की जो एक डिफाइन फॉर्म होगी वो एक अपनी होगी, हर क्वेश्चन के लिहाज से वो एक अपनी डिफाइन फॉर्म गिवन होगी और उसको हमने इनर प्रोडक्ट प्रूव करना होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट वो डिफाइन कर सकता है, वो उसकी मर्ज़ी, जिसके लिहाज से मर्ज़ी वो कंडीशन दे दे डॉट प्रोडक्ट की, जो मर्ज़ी कंडीशन दे दे उसी को यूज़ करके हमने इनर प्रोडक्ट जो है वो प्रूव करना है। तो बेटा अब इनर प्रोडक्ट शो करवाने के लिए हमें तीन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करवानी होगी। तो पहली हमने कंडीशन जो सेटिस्फाई करवानी है सी वन, जो मैंने कंडीशन लिखी है कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए एंड इक्वल टू ज़ीरो हो अगर वो वेक्टर जो है वो खुद क्या होगा ज़ीरो होगा, ठीक है बेटा। अगर मैं दोबारा डेफिनेशन पर आऊँ पेज नंबर वन पर, देखें पहली कंडीशन क्या है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो शो करवाना है। तो बेटा सेम वेक्टर वो यू कॉमा यू ले लें या वी कॉमा वी ले लें वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यू कॉमा यू ले रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा यू
तो अकॉर्डिंग टू जो गिवन कंडीशन, जो डॉट प्रोडक्ट की जो गिवन कंडीशन इस एग्जांपल के अंदर डिफाइन है कि पहले का एलिमेंट इनटू दूसरे का पहले का फर्स्ट एलिमेंट इनटू दूसरे का फर्स्ट एलिमेंट प्लस पहले का दूसरा एलिमेंट इनटू दूसरे का दूसरा एलिमेंट प्लस अप टू सो ऑन पहले का लास्ट एलिमेंट और दूसरे का लास्ट एलिमेंट। अब क्योंकि u कॉमा u है तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू u1 u1 प्लस u2 u2 प्लस अप टू सो ऑन un un, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट भी u का आना है और दूसरा भी एलिमेंट u का आना है। तो ये क्या आ जाएगा, u1 का स्केयर प्लस u2 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन un का स्केयर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा u, u1 का स्केयर प्लस u2 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन un स्केयर ग्रेटर देन जीरो है। बेटा डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो है, हमें पता है सम ऑफ स्केयर इज़ पॉजिटिव, कि जो स्केयर का जो सम होता है किसी भी टर्म्स के स्केयर हों और उनका सम ले तो वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पहली जो फॉर्म है कंडीशन फर्स्ट के अंदर जो पहली फॉर्म है कि सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, वो बेटा प्रूव हो गया। अब बेटा पहली कंडीशन के अंदर दूसरी जो फॉर्म है कि डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होगा इफ़ एंड ओनली वो वेक्टर खुद क्या होगा, जीरो होगा। तो बेटा हम डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू जीरो रखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये यू भी इक्वल टू जीरो है या नहीं। तो लेट यू कॉमा यू का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, तो यू कॉमा यू डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, यू वन का स्केयर प्लस यू टू का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन यू एन का स्केयर इज इक्वल टू क्या है, जीरो। जो ईच यू आई का स्केयर इक्वल टू दहरा डेफिनेटली सम जीरो है, तो इसका मतलब हर टर्म जो है वो इक्वल टू क्या होगी, जीरो होगी। यू आई इक्वल टू जीरो, समझ आ गई बेटा, अगर टर्म्स का सम जीरो हो तो हर टर्म इक्वल टू क्या होती है, जीरो होती है। तो यू आई स्केयर इज इक्वल टू जीरो फॉर आई इक्वल टू वन टू थ्री अप टू सो ऑन एन, तो विच इम्प्लाइज डेट यू आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सो जो u वेक्टर है वो 0.0 अप टू सो ऑन जीरो हो जाएगा, क्योंकि u1 u2 u3 अप टू सो ऑन तमाम वैल्यू जो है वो जीरो होंगी, डेफिनेटली u वेक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यही बेटा हमने शो करवाना था, अगर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वो वेक्टर खुद क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो हैंस जो कंडीशन है कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ग्रेट एंड इक्वल जीरो होना चाहिए, तो पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब बेटा सेकंड कंडीशन क्या है, u कॉमा v के दो डिफरेंट सेकंड, अगर मैं डेफिनेशन पर दोबारा आऊँ तो अब देखें जो यहाँ इस एग्जांपल के अंदर जो हमारे पास फील्ड है वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर में हमने b सेकंड कंडीशन का b पोर्शन जो है वो शो करवाना है कि v1 कॉमा v2 दो डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल टू होगा v2 कॉमा v1, यानी कि वो उल्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्म बेटा हमने शो करवानी है। तो यहाँ मैं दो वेक्टर जो है वो u कॉमा v ले लेता हूँ और हमने प्रूव करना है ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा u के बराबर है। तो क्या आ जाएगा कंडीशन टू, c2 क्या आ जाएगा, u कॉमा v इजिकल का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के u1 v1 फर्स्ट का एलिमेंट इंटू सेकेंड का फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट सेकंड का सेकंड एलिमेंट, यानी कि u1 v1 प्लस u के एलिमेंट जो है वो u1 u2 u3 un हो गए और v के एलिमेंट v1 v2 v3 vn हो गए। तो क्या आ जाएगा u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस अप टू सो ऑन un v1, ये गिवन कंडीशन के मुताबिक जो है हमने स्टेटमेंट में गिवन है उसके मुताबिक लिखा है। अब हमें बेटा यू आई और वी आई, ये तमाम यू वन यू टू यू थ्री जो हैं वो रियल नंबर हैं और रियल नंबर के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं। ठीक है, तो हम यू वन वी वन की जगह वी वन यू वन प्लस वी टू यू टू प्लस अप टू सो ऑन वी एन यू एन लिख सकते हैं। तो ये बेटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब वी वन वी टू वी थ्री अप टू सो ऑन वी एन पहले है, यू वन यू टू वी यू एन ये बाद में है, तो डेफिनेटली ये डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, वी कॉमा U का। तो सेकंड कंडीशन भी बेटा हमारे पास प्रूव होगी। उसके बाद पेज नंबर थ्री पर आ जाएं। अब बेटा थर्ड कंडीशन हमने शो करवानी है। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, तीन वेक्टर लेने हैं, फर्स्ट दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन कॉमा थर्ड वेक्टर, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो बेटा हमने शो करवाना है, ए इंटू यू कॉमा वी का डब्ल्यू का डॉट प्रोडक्ट प्लस बी इंटू वी और डब्ल्यू का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमने शो करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा हम अब कंडीशन जो बाय गिवन कंडीशन है, जो गिवन फॉर्म है जो डॉट प्रोडक्ट की, इसके अंदर डिफाइन फॉर्म है पहले एलिमेंट इनटू पहले वेक्टर का एलिमेंट इनटू दूसरे वेक्टर का एलिमेंट प्लस पहले एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट इनटू दूसरे वेक्टर का सेकंड एलिमेंट, यानी कि क्या आ जाएगा, ए यू वन प्लस बी वी वन डब्ल्यू वन प्लस ए यू टू प्लस बी
वी टू इंटू डब्ल्यू टू प्लस अप टू सॉन ए यू एन प्लस बी डब्ल्यू एन वी एन इंटू डब्ल्यू एन। ठीक है बेटा, अब डब्ल्यू वन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह डब्ल्यू टू को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, डब्ल्यू एन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये थर्ड स्टेप सारा मैंने लिखा होगा मल्टीप्लीकेशन के बाद। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा बेटा, जिनमें से ए कॉमन आ रहा है उनमें से ए कॉमन ले लेंगे। तो ए कॉमन आ क्या आ जाएगा, यू वन डब्ल्यू वन प्लस यू टू डब्ल्यू टू प्लस अप टू सॉन यू एन वी डब्ल्यू एन। और जिनमें से बी कॉमन आ रहा है प्लस बी इंटू वी वन डब्ल्यू वन प्लस बी वी टू डब्ल्यू टू अप टू सॉन वी एन डब्ल्यू एन। तो बाय गिवन कंडीशन ए इंटू बेटा ये जो ब्रैकेट के अंदर है यू वन डब्ल्यू वन यू टू डब्ल्यू टू, ये गिवन कंडीशन के मुताबिक किसका डॉट प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यू और डब्ल्यू का एलिमेंट है तो यू कॉमा डब्ल्यू का डॉट प्रोडक्ट होगा। प्लस बी इंटू जो नेक्स्ट है ये वी और डब्ल्यू के एलिमेंट हैं तो डेफिनेटली बाय गिवन कंडीशन ये वी और डब्ल्यू का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यही बेटा हमने प्रूव करना था। तो तीनों कंडीशन इस डॉट प्रोडक्ट के ऊपर सेटिस्फाई होगी, तो हैंस यू कॉमा वी इज़ एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर एन। तो ये बेटा पहली एग्जांपल हमारे पास होगी।